मराठी में पहली जॉम्बी कॉमेडी बन रही है, एक अलग कुछ करने की कोशिश हमने की है और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बना है। 26 तारीख से थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है, तो जॉनर के बारे में, फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जब देखेंगे तभी शायद उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं बस सबको कहूँगी कि 26 से थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है फिल्म, तो प्लीज़ जाके थिएटर में देखिए। काफ़ी अच्छा रहा। एक तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे मराठी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये पहली बार मराठी में फिल्म बन रही है, जॉम्बी फिल्म, और ये जॉमकॉम भी पहली बार ही बन रहा है। तो ये इतनी बड़ी फिल्म बनना, क्योंकि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो इससे पहले सिर्फ दो ही फिल्में बन चुकी है, एक गो गो गॉन और एक साउथ से एक फिल्म बनी थी। तो उसके बाद हमारे तरफ से एक फिल्म बन रही है, और वो भी मतलब जिस तरह से बनी है, मतलब हम लोगों ने तो फिल्म देखी ही है, लेकिन अब तक के जैसे हमें टीज़र को, ट्रेलर को जो रिस्पांस मिला है, गाने को रिस्पांस मिला है, तो लोगों को काफ़ी बिलीवेबल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसकी कॉमेडी, उसका जॉम्बीज जो है, क्योंकि जॉम्बी ये अपने यहाँ का क्या बोलेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर का कॉन्सेप्ट है, तो उसे यहाँ का करना, अपनी स्क्रिप्ट में उसे अच्छे से अडाप्ट करना, ये सबसे मुश्किल बात थी। लेकिन हमारे क्रिएटर्स ने उसे काफ़ी अच्छे से हमारी स्क्रिप्ट में उसको काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व करके लिया है। तो अभी देखते हैं लोगों का रिस्पांस फिल्म को कैसे मिलता है, क्योंकि अब तक तो अच्छा ही रिस्पांस मिल रहा है। बहुत कुछ देखने को मिलेगा, मतलब जैसे आप देख रहे हो कि एक्शन तो है ही, क्योंकि ये जॉम्बी फिल्म है, और कॉमेडी भी है, क्योंकि ये एक जॉमकॉम है, जॉम्बी कॉमेडी फिल्म है, और उसके अलावा कुछ सोशल इश्यूज भी है जिसके ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मतलब उसे कनेक्ट करने की कोशिश की है कि ये जॉम्बीज कैसे बने, फिर उसके ऊपर हम लोग कैसे उनसे फाइट कर रहे हैं। तो काफ़ी एंटरटेनमेंट के सारे वैल्यूज है, और क्या, फुल पैकेज जैसे इन्होंने कहा। इस सिचुएशन में काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए अलग अलग कैरेक्टर्स एक साथ कैसे आते हैं और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, यही बेसिकली फिल्म है। तो सब कुछ है उसमें, आप सबके लिए बहुत एंटरटेनमेंट है। और मैंने जैसे कहा, फिल्म के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसका मज़ा तभी है जब आप फिल्म जाके देखेंगे। अभी फ़िलहाल थिएटर्स में कोई नई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है। जॉम्बिवली ऐसी एक फिल्म है जो मुझे लगता है सब एज ग्रुप के, सब तरह के लोगों को पसंद आएगी। हमारे टीज़र ट्रेलर को या गाने को बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सबका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है। तो बस सबको यही कहना चाहूँगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ये अगर आप थिएटर में जाके फिल्म देखेंगे तो एंटरटेनमेंट श्योर शॉट मिलेगा। और अभी का टाइम ऐसा है कि थोड़ा टेंशन है, कुछ बीच में केसेस बढ़ रहे थे तो मूड सबका थोड़ा अजीब था, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो प्लीज़ 26 जनवरी से थिएटर्स में जॉम्बिवली रिलीज़ हो रही है, तो जाइए और प्लीज़ देखिए। जो सारी बातें तो इन्होंने बता दी लेकिन वही मैं कहूँगा कि एक अच्छी कोशिश की हम लोगों ने, अच्छी फिल्म बनी है, एक अलग कोशिश है, क्योंकि मराठी में पहली बार हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो अब थिएटर में आ चुकी है फिल्म, तो जाइए, और एक साथ ये फिल्म देखने का ही मज़ा ही अलग है। तो एक साथ देखिए, दोस्तों के साथ देखिए, फैमिली के साथ देखिए, और हमें ज़रूर बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू।
गुड टू सी यू सर। हाँ मुझे डेफिनेटली मालूम है कि डोंबिवली के बाजू में है, तो इसलिए मेरा कनेक्शन पहले से ही है, तो इसलिए मैं देखने आ गया। हाँ यार, उन लोगों ने काम बहुत अच्छा किया, ट्रेलर में ही दिख रहा है। ये तो आप एक बार मैं देखूंगा तो मुझे पता चलेगा और कितना अच्छा बन के आया है, बट आई एम रियली एक्साइटेड। और अच्छा सुना भी है इसके बारे में। हाँ वो एक्चुअली इन्हीं कंपनी के साथ है, सारेगामा और यूडली फिल्म्स के साथ ही है, तो इसलिए मेरा इधर आना बहुत बहुत ज़रूरी था। मैं आना चाहता था बिकॉज आई वांटेड टू लर्न माय सपोर्ट एंड आई थिंक इट्स अ गुड फिल्म, सो आई वांट टू हैव अ आउट एंड आउट राइड। थोड़ा समोसा खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, चिल करेंगे। इट्स एन आउट एंड आउट थ्रिलर, सस्पेंस थ्रिलर। या आई मीन सेकंड शेड्यूल इज अबाउट टू स्टार्ट नाउ। जी अरे उनके साथ मिले या कैसे मिले, मैं एक्चुअली अच्छे सॉन्ग्स ही प्रिफर करता हूँ, नहीं तो मैं मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है हाँ कहना। अच्छा गाना हो तो ही मज़ा आता है ना। लेकिन फैंस की डिमांड है कि आप नेपाल मास कंटिन्यू देखें, तो ये आई थिंक प्रोड्यूसर को बोलना पड़ेगा, जो भी ऑफर करना चाहेगा। मैं क्या बताऊँ, अरे इतना खास नहीं कर रहा यार, बट थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, ऑन एंड ऑफ देखता रहता हूँ। अभी थोड़ा टूवर्ड्स दी एंड मुझे ज़्यादा पसंद है देखना, क्योंकि जो यू नो सिर्फ दो तीन लोग बच जाते हैं तो कैसा रहता। आई थिंक एवरीबडी नो गोइंग टू बी द विनर, यू नो मैं बताना नहीं चाहूँगा, बट आई थिंक सबको मालूम ही ऑलरेडी कौन होने वाला, लेकिन मैं बात नहीं करना चाहूँगा उसके बारे में। म्यूजिक वीडियो है, वेब सीरीज है, जैसे मैंने कहा एक और फिल्म है, एक तो एक थर्सडे है और एक और फिल्म है, सो काफ़ी है यार, मतलब करेंगे, अच्छा करेंगे। मैं इसलिए दिखाई दे रही हूँ आज क्योंकि मेरे हस्बैंड जो हैं फिल्म के प्रोड्यूसर सारेगामा में काम करते हैं, एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट द फिल्म, और मैं कितने महीनों से सुनती आ रही हूँ इसके बारे में, तो ऑब्वियसली बहुत एक्साइटमेंट है। मैंने कभी जॉम कॉम नहीं देखी है, तो नॉर्मली जॉम्बी फिल्म्स विच आर स्कैरी देखते हैं, लेकिन जॉम्बी कॉमेडी शुड बी समथिंग वेरी एक्साइटिंग। और कास्ट बहुत यूनिक है, बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे नेम्स हैं, एंड आई जस्ट लव द प्रोमो, इतना एनर्जेटिक और इतना कूल प्रोमो था, तो या आई एम वेरी एक्साइटेड। और एक मौका मिल रहा है तो कम बैक टू द थिएटर्स, जिसको हमने कितना मिस किया है ड्यूरिंग कोविड, तो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ट्रेलर डेफिनेटली आपने देखा, जी कैसा लगा आपको?
अरे ट्रेलर तो हमारे घर में तो सुपर हिट है, बिकॉज इवन जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं वो सॉन्ग पे नाच रहे हैं और गा रहे हैं. एंड आजकल हमारे घर में नया गेम चल रहा है विच इज़ द ज़ॉम्बी गेम. तो ये दोनों बच्चे दे प्रिटेंड लाइक दे आर ज़ॉम्बीज एंड दे रन अराउंड एंड प्ले विथ ईच अदर. तो आई थिंक कि ये जो सारे एलिमेंट्स हैं, दीज आर द एलिमेंट्स दैट यू वुड सी इन अ फिल्म दैट कैन पोटेंशली बिकम अ कल्ट फिल्म, बिकॉज इसमें वो वाइब है. तो जैसा कि मैंने कहा, ट्रेलर कड़क है, अभी देखते हैं फिल्म कैसी है. आप मुझे देखेंगे सून, अभी तो कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ. देर आर लॉट ऑफ ऑफर्स ऑन द लाइन, लेकिन आज सिर्फ ज़ॉम्बी विली की बात करेंगे. और वैसे तो आप मुझे देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे तो रोज़ देख सकते हैं, मैं वहाँ पे तो हूँ ही. तो या थैंक्स. बहुत बढ़िया, आप कैसे? वीडियो रिलीज हो रहा है, देख लेना कभी हॉटस्टार पे. तो मैं थोड़ा पहले विजुअल तो लेने दे. मैं ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ वेरी क्वर्की कॉन्सेप्ट. मैंने ऐसी फिल्में सिर्फ हॉलीवुड में देखी हैं. एंड फाइनली जब हमारे अपने बॉम्बे में मराठी फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो मैंने सबसे पहले ट्रेलर देखना चाहा, बिकॉज जो प्रोड्यूसर्स ने 200 हल्ला हो बनाई थी, जो मेरी फिल्म थी, उन्होंने ही ज़ॉम्बी विली बनाई है. एंड आई एम सो हैप्पी कि वो ट्रेलर इतना अच्छा निकला कि आई कुड नॉट रिजिस्ट. और इन्होंने मेरे को इन्वाइट भी भेज दिया कि प्रीमियर पे आके देखो. मैंने सबसे पहले पूछा, मेरे को मराठी बहुत पसंद है पर मैं पंजाब से हूँ, मैंने सबसे आके सबसे पहले पूछा कि यार सबटाइटल है या नहीं. उन्होंने कहा हाँ. मैं कहा मैं 7:15 बजे पहुंच जाऊंगा शाप. और देखो भाई खड़े हैं. सर बहुत कुछ होने वाला है. मैं एक्चुअली वन ऑफ द रेयरेस्ट टैलेंट्स बन के रहूंगा और हमेशा से रहना चाहता था, जो डिजिटल टीवी और फिल्में तीनों पे रेलेवेंट हो. एंड आई गेस कि वही होने वाला है. मैं ना डिजिटल छोड़ने वाला हूँ एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर, ना मैं टेलीविजन छोड़ने वाला हूँ एज एन एंकर और वॉट एवर कैपेसिटी आई कैन गेट, और ना मैं फिल्में छोड़ने वाला हूँ. तो तीनों के तीनों जोन में मैं बहुत ट्रिप करने वाला हूँ और आपको एंटरटेन करने वाला हूँ. मुझे नहीं लगता कि कोई स्टोन अनटर्न छोड़ पाऊंगा मैं. अगर कोई अच्छा गाना होगा तो मैं रुकूंगा नहीं, इतना मुझे पता है. जहाँ मेरे को लाइट दिखेगी ना वहाँ पहुँच जाऊँगा. आई मीन इन टर्म्स ऑफ जहाँ मेरे को टैलेंट दिखेगा मैं वहाँ खींचा चला जाऊँगा, जहाँ मेरे को पोटेंशियल दिखेगी, बिकॉज आई एम समबडी जो कि दूर नहीं रह सकता है. अच्छा प्रोडक्ट है तो आई वॉन्ट टू एसोसिएट सम हाउ ऑर दी अदर. कई बार मैं कुछ चीज़ें ऐसी प्रोड्यूस कर देता हूँ क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं. दैट इज़ वाई आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ जस्ट गुड प्रोजेक्ट्स. थैंक यू. अरे यार ओके. हाँ कपिल, हमको मारना है या मरना है? चुप ऐसे नहीं जाएंगे. तुम मार यहाँ पे करना है. यहाँ कपिल, हमको मारना है या मरना है? चुप ऐसे नहीं जाएंगे. तुम मार. मैं खड़ा हूँ ना. क्या होती है